अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बहुत सारे भाई लोग का बार बार कमेंट आता है कि सर ई रिक्शा का जो सामने का ग्लास होता है उसको किस तरह से फिटिंग किया जाता है, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं ये वीडियो सामने के ग्लास के बारे में बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो ग्लास पड़ा हुआ है इसी को हम फिटिंग करने वाले हैं इस गाड़ी में। तो देखिए, इस ग्लास का नाप का ये रबर मिल जाता है, तो सेम टू सेम नाप का रबर मिलेगा। उसको आपको सिंपल जो ग्लास है उसमें पहले फिटिंग कर लेना है। ठीक है, देखिए आराम से इसको फिटिंग कर लेना है सिंपल। तो यहाँ पे फिटिंग करने के बाद इसको गाड़ी में फिटिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको फिटिंग कर लेना है। तो देखिए किस तरह से हम फिटिंग कर रहे हैं, इसी तरह से आपको भी करना है। तो चलिए इसको पहले फिटिंग कर लेता हूँ। और एक बात, मेरा एक दूसरा चैनल है NH खान इलेक्ट्रॉनिक बोल्स के, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ जानकारी रखना चाहते हो या रखते हो तो वो वाला चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें मैं हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियो डालता रहता हूँ, और मोटर रिपेयरिंग, उसके बाद कंट्रोलर रिपेयरिंग, कन्वर्टर रिपेयरिंग, ये सब के बारे में भी वीडियो उस पर ही मैं डालता हूँ। और मेरा इस चैनल में NH खान एक्सपेरिमेंट, इसमें सिर्फ ई रिक्शा के बारे में मैं वीडियो डालता हूँ। और बाकी जो NH खान इलेक्ट्रॉनिक्स, उस चैनल में मैं हर तरह का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डालता रहता हूँ। तो वो चैनल को भी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और वो वाला वीडियो भी देख सकते हो आप। तो देखिए, इसको आराम से फिटिंग कर लेना है पहले, उसके बाद हम गाड़ी में इसको लगाएंगे। तो गाड़ी में भी किस तरह से लगाया जाता है उसको दिखाएंगे। तो बाहर ही नीचे पहले इसको फिटिंग कर लेना पड़ता है। तो इसको फिटिंग कर ले रहा है, एक एक करके चारों ओर को इस तरह फिटिंग कर लेना है। शीशा के अंदर जो इसका रबर है उसको लगा लेना है। ये जो ग्लास है, इस पर वीडियो बहुत सारे भाई लोग का कमेंट के वजह से मैं डाल रहा हूँ, नहीं तो इस पर वीडियो मैं यूट्यूब में देखा कि एक भी वीडियो नहीं है। तो आप लोगों का इतना कमेंट आ रहा है, इसके वजह से मैं ये वाला वीडियो डाल रहा हूँ। देखिए, इस रबर में दो लेयर रहता है, एक शीशे में लगेगा और जाके एक जो आपका फ्रेम है, जो ग्लास लगाने वाला फ्रेम है उस पर एक जाके लगेगा। ठीक है, तो पहले शीशे में लगाने वाला को मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, आप जाके जो गाड़ी है उसमें लगाना है, फिर चारों ओर को लगा लेना है। देखिए, तीन तरफ लगा लिया, अब इस तरफ बचा है, मेरा हेल्प कर रहा है एक आदमी, तो इस तरफ भी वो कर दिया थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा बचा है, इसको अच्छी तरह से अंदर लगा लेना है खाली। ये हो जाते ही इसको गाड़ी में ले जाएंगे और जो गाड़ी का फ्रेम है ग्लास का उसमें लगाएंगे फिर। तो देखिए, यहाँ पर तो फिटिंग हो गया ये। तो चलिए, आप जो गाड़ी है उस पर ले जाके लगाते हैं इसको, देखिए कितने अच्छे से फिटिंग हो गया ये। तो देखिए, आप अगर ऐसे ही ले जाओगे तो इसको फिटिंग सही से नहीं कर पाओगे, इसलिए हम इसके अंदर एक रस्सी डालेंगे। देखिए, जो नायलॉन का रस्सी आता है उसको, देखिए ये जो फ्रेम वाला लेयर है उसके अंदर डालेंगे इसको, ताकि हम जब फिटिंग करेंगे फ्रेम में उस टाइम अच्छे तरह से फिटिंग हो पाए इसके वजह से। तो चलिए, इसमें पूरा यहाँ पे डाल लेता हूँ इस रस्सी को, चारों ओर डाल लेना है। अगर एक तरफ छोड़ दोगे तभी भी चलेगा, लेकिन मैं चारों तरफ डाल के फिर लगाने जा रहा हूँ। जिस तरफ पहले लगाओगे, अगर उस तरफ छोड़ के हाथ से लगा लोगे तभी भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर चारों ओर लगा लेते हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए, मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद गाड़ी पे भी ले जाके आप लोगों को दिखाएंगे। तो मेरे वीडियो जितना लोग देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल का अभी तक, तो वो लोग को गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा जो नया चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए, अब फ्रेम में बिठाना है इसको। तो देखिए, पहले अच्छे से इस तरह से बिठा ले रहा हूँ, उसके बाद अंदर तो रस्सी उसका है ही, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे और बैठता जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले ऊपर की तरफ मैं बिठा ले रहा हूँ, तो इस रस्सी को जैसे आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे तो वे अपने जगह पे बैठता जाएगा। फिर अगर रस्सी आप नहीं लगाओगे तो उंगली से इसको करने में दिक्कत आएगा, इसलिए हम रस्सी को पहले ही लगा लिए। ऊपर के साइड पे आप रस्सी डालोगे तभी भी चलता है, अगर नहीं डालोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं आता है, हाथ से ही कर सकते हो, लेकिन चारों ओर आपको इस तरह से कर लेना है तीनों ओर। तो मैं चारों ओर कर लिया था, अब देखिए इस तरह से खींचते ही ऊपर का जो लेयर है उसके अंदर चला जा रहा है, देखिए फ्रेम के। तो यहाँ पे एक गांठ था तो उसमें जाके अटक गया, इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे, और कोई टेंशन नहीं है, इसको खींचते ही आहिस्ता आहिस्ता देखिए इस लेयर
उसके ऊपर आ रहा है, फ्रेम के ऊपर चला आ रहा है। ये रस्सी को खींचते ही ऑटोमेटिक ये सेटिंग हो जाता है अगर इस तरह से आप फिटिंग करोगे तो। तो देखिए सिंपल खाली इसको खींचना है, आहिस्ता आहिस्ता खींचना है, ज़्यादा हड़बड़ भी नहीं करना है, नहीं तो जो आपका रबर है वो टूट भी सकता है क्योंकि ये ज़्यादा हैवी वाला नहीं रहता है। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हो आहिस्ता आहिस्ता इसको कर लेना है। जैसे आहिस्ता आहिस्ता करोगे और हाथ से इसको थोड़ा इसको सेप भी कर लेना है। तो देखिए किस तरह से ये खींच रहा हो और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप बैठ जा रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको भी करना है, सिंपल खाली इस रस्सी को खींचोगे तो ये अपने आप बैठ जाएगा। तो देखिए ये तीनों तरफ तो बैठ गया, अब एक तरफ बचा है खाली। तो इस तरफ भी ऊपर से थोड़ा सा खींच खींच के यहाँ पे भी बैठा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सब जगह ऐसा ही अंदर डाल देना है। अगर इसको आप उंगली से करने जाओगे तो बहुत दिक्कत आता है और उतना नहीं होगा, इसलिए हम इसमें रस्सी डाल के करते हैं। और आप जब इसको सेटिंग करोगे इसी तरह से रस्सी डाल के ही करना, नहीं तो आप भी सेटिंग करने में दिक्कत आएगा आपको भी। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो लास्ट तक आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे फिटिंग हुआ ये। तो इस पार से एक बार देख लीजिए, इस तरफ से देख लीजिए, आप उस तरफ भी जाके आपको दिखाते हैं। तो चलिए उस पार भी एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए इधर भी सेटिंग हो गया अच्छी तरह से। अब सामने की तरफ से एक बार आप लोगों को दिखाते हैं, जहाँ पे भी थोड़ा आपको दिख रहा है कि वहाँ पे सही से बैठा नहीं है वहाँ पे आप हाथ से बिठा सकते हो आराम से, क्योंकि जितना रस्सी से होना था उतना तो हो गया। अब जहाँ पे भी थोड़ा बहुत उठा हुआ दिखेगा वहाँ पे हाथ से आपको बिठाना पड़ेगा। तो देखिए एकदम बराबर बैठ गया है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे एकदम बराबर बैठ गया है। तो ये वीडियो आप लोगों का बार बार कमेंट के वजह से ही मैं बनाया। तो आप लोग को भी चाहिए कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और भी अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखी है। तो देखिए इस कोने में थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ है, तो इसको थोड़ा उंगली से मैं बिठा देता हूँ। देखिए ये बैठ गया है। तो देखिए ये अब अच्छी तरह से बैठ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको भी इसी तरह से करना है। तो थैंक्स फॉर वॉच।